थॉमस हॉब्स आई थिंक के यू कैन सी फ्रॉम इज एक्सप्रेशन कि ये एक बड़ा सख्त मिजाज किस्म का आदमी है और जो आइडियाज हॉब्स थेबरेट करता है समझाता है एक्सप्लेन करता है वो भी कुछ इसी किस्म के आपको महसूस होंगे तो इसका पीरियड ऑफ हिस्ट्री आप देखेंटी लॉन्ग एंड वेरी इवेंटफुल लाइफ आई थिंक लेट्स है लुक एट वट वोइंग ऑन इन दाइम सबसे पहले तो ये आप ये देखें कि जो मिडिवल पीरियड है उसके अंदर जो आइडिया ऑफ अथॉरिटी है आइडिया ऑफ गवर्नमेंट आइडिया ऑफ स्टेट है इट्स नॉट नेटी और टेरिटोरियल ऑरिजिनिटी यानी आज कल के जमाने में तो ये नामुमकिन सी बात है कि कोई बंदा बंग्लादेश में रह रहा हो और ये कहे कि पाकिस्तान का इलाका जो है वो मेरी रियासत होनी चाहिए या मेरी रियासत है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी होगा तो वो पाकिस्तान की रियासत का इंचार्ज होगा हेड होगा प्रेसिडेंट होगा प्राइम मिनिस्टर होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा मिलिट्री डिक्टेटर होगा मगर उस जमाने में स्टेट्स कुड बी लाइक फैमिली लाइक फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड है तो उसका बादशाह ये कह रहा है कि स्कॉटलैंड जो है वो मेरी मल्कित है और आयरलैंड जो है वो मेरी मल्कित है एंड आई आई डिजर्व इट आई बिलोंग टू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा या कोई हैप्सबर्ग डायनेस्टी का बंदा है तो वो ये कह रहा है कि जी फलानी जगह मेरी मल्कित है या कोई जर्मन यू नो जर्मनी से को उठाया बंदा तो वो कह रहा है जी इटली जो है वो मेरी मलकियत है तो ये आइडिया इस तरह से था कि यू नो उस जमाने के अंदर स्टेट्स वर लाइक फैमिली पोजेशन वर मोर लाइक स्टेट्स जिस तरह ये होता है ना कि ये मेरा रियल स्टेट है ये मेरा स्टेट है ये मेरी जायदाद है वगैरह ये तसवर था आजकल भी हम कहते हैं ना कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारी बाप की जायदाद है या जागीर है वगैरह हम इस तरह के लफ्स इस्तेमाल करते हैं अपनी पोलिटिकल टर्मिनोलॉजी में तो दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमाने में लोग वाकई कहते थे हाँ ये मेरी बाप की जायदाद है तो इस वजह से जो है ना दैट्स द सॉर्ट ऑफ डायलॉग कम्स बैक इन टू आर माइंड मॉडर्न स्टेट्स ऑफ कोर्स आर ड्रिवन बाय व्हाट वी टुडे कॉल टेरिटोरियल नेशनलिज्म पूरा जो वर्ल्ड सिस्टम है वो है ही इस चीज पर यू नो इट्स इट्स फाउंडेड ऑन दिस आइडिया ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है नेशनलिज्म बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ी तब्दीली है अब ना वी मे थिंक एंड वी आर लेट टू बिलीव ऑफन कि नेशनलिज्म बड़ी कदीम चीज़ है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में तो उस वक्त से पाकिस्तानी नेशनलिज्म का तस्वर कायम हो गया था अगर अगरचे कहीं लेटेंट था और फिर 1930s, 40s के अंदर ये दोबारा से उजागर हो गया ऐसी बातें हमें बचपन में पढ़ाई जाती हैं बट ये टोटल बचपन की कहानियाँ और इनको बचपन में ही छोड़ देना चाहिए कि कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं पॉलिटिकल रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं इनफैक्ट टेरिटोरियल नेशनलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये इंतहा जदीद कॉन्सेप्ट है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आइडिया जदीद जदीदियत ये क्या है वट इज दिस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी एम टॉकिंग अबाउट इफ द नेशन स्टेट इज समथिंग दैट इज अ मॉडर्न कंसेप्शन देन इज द कंसेप्शन ऑफ मॉडर्निटी इट सेल्फ इज द रियल क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क वैसे तो आप कोई भी करंट पीरियड को कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड को कह सकते हैं कि यही मॉडर्न पीरियड है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है तो लिहाजा मॉडर्न है बट दैट्स नॉट नेसेसरली हाउ हिस्टोरियंस थिंक अबाउट इट और इवन पोलिटिकल साइंटिस्ट थिंक अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल जिस पीरियड के अंदर हम आज हैं उसको मॉडर्न पीरियड नहीं कहा जाता उसको क्या कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड एग्जैक्टली उसको कहा जाता है द द पीरियड पीरियड ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी मॉडर्निटी सो इज इज दिस दैट दैट वी कॉल फर्स्ट क्वेश्चन एंड वट इज मॉडर्निटी दैट इज द क्वेश्चन दैट आई टू यू फर्स्टली हाउ डिड दिस चेंज कम अबाउट एंड इज मॉडर्निटी ये सवाल है आपके सामने अब बहुत सारे लोग मॉडर्निटी के हवाले से कहते हैं जी मॉडर्निटी तो उस वक्त शुरू हुई थी जब क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया ऑब्बियसली अमेरिकन खुश होंगे कहेंगे हाँ साढ़े नाल मॉडर्निटी शुरू हुई थी कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं मॉडर्निटी तो उस वक्त शुरू हुई थी जब लुथरन प्रोटेस्टेंट रेफोर्मेशन शुरू हुई प्रोटेस्टेंट ऑब्वियसली बोलते हाँ ये बिल्कुल ठीक डेट है और कुछ लोग ये कहेंगे कि गैलेली और गैलेली ने जब दूरबीन लगाई और उसके बाद उसने ये कहा कि जनाब अली एक्चुअली सूरज जो है वो दुनिया के इर्द गिर्द नहीं घूमता बल्कि दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है जिसको हम कपनिकन थियरी कहते हैं तो उस वक्त मॉडर्निटी शुरू हुई या जब चर्च ने उसको यह कहा कि बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो एक्चुअली सूरज जो है वो दुनिया के गिर्द घूमता है उसने कहा माई बाप तुम तो ठीक कह रहे हो सूरज दुनिया के गिर्द घूमता है एक्सेट्रा प्लीज डोंट टॉर्चर मी एक्सेट्रा लेट मी गो तो कुछ लोग कहते हैं वहां से मॉडर्निटी शुरू हुई साइंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल आर ऑफन ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू और आ, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं फोर्टीन थर्टी नाइन के अंदर जब गुटनबर्ग ने अपनी प्रेस बनाई मूवेबल टाइप वाली प्रेस बनाई तो उसकी वजह से जो फ्लड ऑफ लिटरेचर पैदा हुआ तब मॉडर्निटी असल में शुरू हुई उसी के नतीजे में लूथरन रेफॉर्मेशन भी हुई उसी के नतीजे में गैलेलियो के आए, साइंटिफिक आइडियाज भी फैले एक तरह एक हवाले से उसी के नतीजे में कलम्बस की वो स्पिरिट पैदा हुई जिस एक्सप्लोरेटरी किस्म की स्पिरिट पैदा हुई और कुछ लोग ये कहेंगे नहीं जी देखें ब्रिटिश खास तौर पे 1780s के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई ये मॉडर्निटी का असल पीरियड था जब मशीनें वगैरह लगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो यस यू कैन पुट डाउन मॉडर्निटी टू एनी वन ऑफ दिस कोई मसला नहीं है कोई इस पे कंसेंसिस नहीं है कोई एग्जैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मॉडर्निटी की कौन सी डेट है जहाँ से वो शुरू होती है मगर आप अंदाजा लगा सक रहे हैं कि यही डेट्स हैं मोरलेस फिफ्टीन सेंचुरी आपको नजर आ रही है जिसके बाद और इवन एटीन सेंचुरी तक जिसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि वी एंटर द पीरियड ऑफ मॉडर्निटी क्या ट्रांसफॉर्मेशन है भाई कुछ तो वो कहते हैं चेंज जियोग्राफिकल कॉन्शियसनेस है कि जिस तरह वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया फिर यू you नो know, दुनिया के लिए एम्बुलट uh, you know, किया सो ज्योग्राफिकल कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ी चेंज है न्यू साइंस पैदा हो रही है गैलेलियो इज ऑफकोर्स इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस न्यू साइंस और भी बहुत सारे लोग हैं कैपलर पर्निकस अः ब्रूनो मैनी रिलीजियस अपहीवल मैंने आपको बताया रिलीजियस वॉर्स हुई बहुत सारी प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन इतनी बड़ी हुई कैथोलिक चर्च टूट गई जो तकरीबन एक हजार साल से इतने डोमिनेट करती थी ओवर यूरोपियन लाइफ वो टूट गई लिटरेसी बढ़ गई गुटनबर्ग प्रेस वगैरह गुटनबर्ग की प्रेस जो है उसने एक नई किस्म की कॉन्शियसनेस पैदा करनी शुरू की यूरोप में लोगों ने नई किताबें पढ़नी शुरू की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके तो डेफिनेटली उसमें है ही और वो तो एट द एंड आता है मगर उससे पहले भी एक नई इकॉनॉमी आपको नजर आती है जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि रेनेसों के पीरियड के अंदर मेडिची फैमिली एक नई किस्म की इकोनॉमी जो है वो जन्म लेते हुए हमें नजर आ रही है जिसमें बैंकिंग बड़ी सेंट्रल है जिसमें ट्रेड ज्यादा सेंट्रल है और वो जो पुरानी इकोनॉमी है फ्यूडलिज्म की वाली वो पीछे हट रही है और नई इंप्रूव मिलिट्री टेक्नोलॉजी नजर आती है जिसकी वजह से ऑटोम जो है उनको अब डिफीट्स होनी शुरू होती हैं आफ्टर द बैटल इन वियना वो पीछे हटने हाँ शुरू होते हैं और वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है और भी बहुत कुछ बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं मगर बहरहाल एक चीज़ जरूर नजर आती है कि वो जो मेडिवल दुनिया थी यूरोप की वो अब चेंज होती हुई नजर आती है और हम एक नए पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिसको हम मॉडर्निटी कहते हैं अगर आप एक मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से इसको देखें दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल तो ये वो पीरियड है जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा है और कैपिटलिज्म शुरू हो रहा है और फ्यूडलिज्म जब खत्म होता है और कैपिटलिज्म शुरू होता है तब उसके बाद आपको पता है कि यूरोप जो है इज स्टार्ट टू टेक 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 ऑफ 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 एंड 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 द वर्ल्ड एंड बिकम्स द ग्लोबल पावर एंड सो सो तो द सेम टाइम उसके साथ साथ एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हमें नजर आ रहा है एक हमें इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आ रहा है नजर आ रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइफ चेंज हो रही है फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन नजर आ रहा है आपको ऐसे नए थिंकर्स नजर आ रहे हैं फ्रांसिस बेकन जैसे जॉन लॉक का जिक्र किया डेकार्ट का जिक्र है लाइबनेस का जिक्र है स्पिनोजा का जिक्र है वगैरह सो so, एक पूरे बर्स्ट ऑफ न्यू नॉलेज आपको नजर आती है इस पूरे पीरियड के अंदर जिससे यूरोप की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है यूरोप जिसको हम और खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप जिसको टोटली कहा जाता है कि ये तो यूरोप के सबसे बैकवर्ड एरियाज थे ये तो यूरोप के सबसे ज्यादा पसमानदा इलाके थे दे बिकम एक्चुअली द मोस्ट एडवास्ड रीजन रीजन ऑफ यूरोप और जो यूरोप के एडवांस रीजन हैं जिसमें सदर्न यूरोप शामिल है इटली वगैरह शामिल है वो बल्कि पसमानदा हो जाते हैं नस्बता यूरोप के अंदर नस्बता अच्छा जी सो वी मे नॉट बी एबल टू अग्री के मॉडर्निटी कब शुरू हुई और हम शायद इस पर भी इतफाक ना कर सकें कि मॉडर्निटी uh, है क्या मतलब इस इसपे इतफाक तो कर लेंगे ब्रॉडली मगर डिबेट चलती रहती है और चल रही है मगर इस इसपे कम से कम सारे इतफाक कर सकते हैं या उसकी उम्मीद है राइटर की कि थॉमस हॉब्स इज द मैन जिसने मॉडर्न पोलिटिकल साइंस शुरू की We can't decide when modernity begins or when, what exactly it is, but we can say with confidence that the man who developed modern political science is none other than this guy, Thomas Hobbes. And um, he says that a period which begins with Hobbes and ends with Marx, which political science, a new political economy, a new ideas generated. Marx kind of comes at the close of this period. From Hobbes to Marx, एक पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लाइफ का जहां पे बुम करके एक बहुत सारे नए किस्म के आइडियाज डिवेलप होते हैं फ्रॉम लिबरलिज्म टू मार्क्सिज्म एंड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन आउटसाइड ऑफ इट व्हाट अबाउट पोर मैके कई क्लासेस में कई कोर्सेज में मैं ये पढ़ाता रहा हूँ और मेरा अपना भी कुछ हद तक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये क्रेडिट मैके के सर पर नहीं होना चाहिए हॉब को दे या

मगर ये नहीं आप सीख सकते मॉडर्न पोलिटिकल साइंस और मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री हमें यह बताता है कि आप ये नहीं सीख सकते कि आज क्या करना चाहिए आपको दुनिया के अंदर आज के मसाइल हल करने के लिए आज की सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा द पास्ट ओनली टेल्स यू हाउ यू गॉट केयर बट इट डेल यू हाउ टू गो टू द फ्यूचर यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट यू दिस न्यू सोसाइटी दैट यू कैन यू कंस्ट्रक्ट बांस्टेंटली लुकिंग एट द पास वो ठीक था वो वापस कर लें इनफैक्ट वो तो पानी बह गया वो गंगा बह गई है वो तारीख निकल गई है उससे आप सीखें जरूर मगर ये ना सोचें कि उसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं इज द मॉडर्न कंसेप्शन स्ट्रॉगर कैंडिडेट फॉर फादर ऑफ मॉडर्न पोलिटिकल अब जरा हॉब्स uh, की जिंदगी को देखते हैं सबसे पहले तो यू नो uh, you know, uh, ये बड़ी अच्छी सेइंग है अबाउट इज राइटिंग वो है डेवल ऑल बिकॉज हॉब्स जो है ना बहुत अच्छा लिखता है और अपने जमाने के अंदर उसको डेवली समझा जा जाता था क्योंकि चर्च उसके एज यूजल <laughs> बड़े खिलाफ थी तो हॉब्स को कभी किसी ने पूछा कि भाई आप हॉब्स बड़ी फख्र करता था अपनी राइटिंग पर कहता था मैं जो है ना रैशनैलिटी और रीजन पर जो बात कर रहा हूँ रेशनैलिटी और रीजन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ ठीक है लॉजिक की बात पर बुनियाद पर बात कर रहा हूँ और किसी बुनियाद पर बात नहीं कर रहा था तो जब किसी ने उसे कहा कि फिर आपकी बात मानते क्यों नहीं लोग अगर आप इतनी लॉजिक और रीजन पे बात करें तो कहता है, man, ठीक है ना अगर ए, जो है, वो आपके मुफाद के खिलाफ है तो आप कहेंगे मगर जो, जो चांसलर था ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का उसी ने जो है लवायथन पे बड़ी लंबी तनकीद भी लिखी और बाद में जब हॉब्स की वफ़ात हो गई तो उन्होंने ये भी कहा कि हॉब्स की सारी किताबें इकट्ठी की और उनको मिला के जुला दिया और कहा ये लो हॉब्स मिया हूं गाल करो आज ऑफकोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले लोग जो हैं इस बात पे बहुत ही पशेमान हैं और उनको अगर आप ये याद करवा देंगे तो आप तो हॉब्स की किताबें साड़ते फिरते थे बड़े बनते हैं फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्चुअल वट एवर तो शायद कहें हाँ यार वो गलती हो गई अगर जब वो हमसे नहीं हुई वो और लोगों से हुई थी तो बहरहाल उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कोई बहुत ब्रॉड माइंडेड इंस्टीट्यूट नहीं था अः हॉब्स अपने जमाने में क्यों इतना डिसलाइक था खासतौर पे चर्च वाले लोग उसको क्यों पसंद नहीं करते थे एक तो बात यह कि वो मोर्टलिस्ट था मोर्टलिस्ट वो लोग होते हैं जो कहती हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा खत्म मेरी मेरा मेरा जो है मेरा वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा कीड़े मकोड़े मुझे खा जाएंगे you know, the जो क्रिश्चियंस थे वो कहते थे, oh, वो कहते थे भाई, सोल स्मूल का कोई चक्कर नहीं है सो so, इस हवाले से ऑल्दो हॉब्स रेफरेंसेस god etc and uh, you know those other things like that many times but you can see that he's actually very strongly and uh, well not an atheist in the modern sense but at least not a theist in, in his own times uh, very different from that he thought religion grows out of anxiety it is a way of preserving peace and security of mind how by reaching backwards in the chain of causes <laughs> अगर हम चेन ऑफ इस चीज में वापस पीछे जाते रहे या कॉज कोई देखते रहे नॉट अ पर्सन इस चेन में पीछे चले जाएं तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी विच बी द फर्स्ट कॉज एंड दैट फर्स्ट कॉज इज व्हाट वी कॉल गॉड एंड वी टेक सिक्योरिटी इन दैट फर्स्ट कॉज की दैट फर्स्ट कॉज द प्राइम मूवर इज एन एंटिटी दैट इज लुकिंग एट आस एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड लुकिंग एट ऑल द इन जस्टिस इज दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कैलकुलेटिंग और एंड दैट दैट एंटिटी विल डू जस्टिस बट हॉब्स हॉबली थिंक दैट वे Um, in Hobbes' view, finally, the state must control the church. There are no, no two swords and all this stuff, spiritual sword, or the sword. sword. I mean, confuse the state holds both the sword and as well as the scepter. The other major factor that's going on in the time of Hobbes is the, what, called, what is called the Great Rebellion. This is the English Revolution, basically. 1642 के अंदर मोनार्की और चार्ल्स द फर्स्ट और पार्लियामेंट की आपस में लड़ाई हो गई चार्ल्स द फर्स्ट जो है वो चाहता था एक बड़ी सी मैं फौज पैदा करूं और उस फौज से मैं आयरलैंड पे जो है वो कब्जा करूंगा और स्कॉटलैंड को भी जरा दबाऊंगा आयरलैंड को स्कॉटलैंड उसी के कंट्रोल में था मगर वहां पर रिबेलियंस वगैरह हो रही थी तो वो चाहता था बड़ी फौज बनाओ तो उसकी वजह से उसने टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए और इसकी वजह से रिबेलियन होना शुरू पहले आयरलैंड के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर रिबेलियन चल रहा था उसने उनको क्रश भी किया मजीद उसने जब टैक्सेस वगैरह लेके तो और पैसे लेने की कोशिश की तो उसकी अपनी पार्लियामेंट भी उसके खिलाफ होगी उस जमाने के अंदर पार्लियामेंट वो चीज नहीं थी जो आज है उस जमाने के अंदर पार्लियामेंट बेसिकली एक कमेटी थी जो कि किंग ने ही खुद बनाई थी इस मकसद के लिए कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके तो वो टैक्स कलेक्टिंग के लिए ही एक इंस्टीट्यूशन था हाउस ऑफ कॉमन्स मगर वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो बादशाह के खिलाफ हो गया कि

सुनाई भी है कि फिर वो वापस आया फिर यू you नो know, रेस्टोरेशन हुई फिर रेस्टोरेशन के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई फिर किंग और पार्लियामेंट ने अग्री किया कि अच्छा हम इकट्ठे चलेंगे फिक्र नहीं करें और वो फिर उसके बाद सिस्टम उस तरह से सपोर्ट उस तरह से वो स्टेबलाइज हो गया हॉब्स जो है वो रॉयलस्ट की साइड पे था वो क्रॉमवेल के साथ नहीं था और उसको डर ये था कि क्रॉमवेल जो है मेरा भी गिटा उतार देगा इसलिए वो भाग गया मुल्क छोड़ के भाग गया उसने कहा कि मैं मारा ना जाऊं मगर बहरहाल जो पार्लियामेंट थी उसने उसको माफीनामा लिख दिया और आ, यू नो हाउस वापस आ गया बाद में किंग ने भी उसको मा... कहा कि नहीं तू तो हमारा ही बंदा है किंग ने भी उसको कोई खिलाफ उसको कुछ नहीं खास किया तो अः जनवरी थर्टीटीन फिफ्टी को ये देखें चार्ल्स द दे फर्स्ट आ, आ, का सर उड़ा दिया ऑलि क्रॉमवेल जो है वो जीत गया और ये बड़ा शॉकिंग किस्म का इंसिडेंट था यहाँ पे लोग देखें आ, ऐसे कर रहे हैं खातिन जो है वो फेंट हो यू नो सत्यानाश हो गया लोगों का क्यों इसलिए नहीं कि उनको एग्जीक्यूशन बड़ी गजीब वरीब चीज लगती थी एग्जीक्यूशन तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी देखी थी ये आम बात होती थी यू नो टी तो होता नहीं था रेडियो तो होता नहीं था कोई एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं था तो लोग कहते चलो कोई एग्जीक्यूशन को, को पनिशमेंट देखने चले जाते हैं तो उस जमाने की एक किस्म की एंटरटेनमेंट ही समझी जाती थी मगर बादशाह को एग्जीक्यूट करना बादशाह को ये बहुत ही और किस्म की बात थी ना सिर्फ और किस्म की बात थी किस्म की ब्लेसम ही थी क्योंकि बादशाह को समझा जाता था कि ये डिवाइन फिगर है ये किस्म का डिवाइन फिगर है तो उसका गला उतार देना इस तरह से ये तो बहुत ही अजीब किस्म की बात थी तो हॉब्स बेचारा जो है ना बीच में कहीं लुढ़कता फिर रहा था और मगर इस पूरी सिविल वॉर का हॉब्स पे बहुत बड़ा असर हुआ बहुत बड़ा असर तो ये हुआ कि सिविल वॉर देख देख के उसने कहा यार यार ये सिविल वॉर बड़ी बुरी चीज है यार ये किसी तरह खत्म होनी चाहिए इसको खत्म करने का तरीका क्या है आखिरकार सिविल वॉर को खत्म करने का तरीका क्या है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का तरीका क्या है दिस वॉज कंसर्न तो हॉब्स ने यह कहा कि सरकार अगर इन चीजों के बारे में समझना है इन चीजों को समझना है तो दो चीजें करनी पड़ेंगी पहली बात तो ये है कि ये जो सारा आप रोमन रिपब्लिक रोमन रिपब्लिक दिन रात करते रहते हैं जिस मैकिया वैली भी करता रहा यार प्लीज इस खाब से बाहर निकलो इनफ ऑफ दिस रोमन रिपब्लिक यार मैं नहीं और ये सुनना चाहता और दूसरी बात यह है कि देखो यार कितना बड़ा साइंटिफिक इंकलाब हो रहा है रॉबर्ट रॉबर्ट हुक है हावी है बॉयल है विलियम बॉयल इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की साइंटिफिक हो रही यह जो मेथोडोलॉजी है इसको इस्तेमाल किया जाए टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स ये दो चीजें मैं करना चाहता हूं एक यार ये रोमन रिपब्लिकन कहानी से निकलो और दूसरा साइंटिफिक सॉरी साइंटिफिक टेक्निक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज करो टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स Yaar, dekho, by reading of these Greeks and Latin authors, men from their childhood have gotten a habit under a false show of liberty, of favoring tumults, and of licentious controlling the actions of their sovereign, and again of controlling those controllers with the effusion of so much blood, as I think I may truly say, there was never anything so dearly bought as these Western parts have bought.

वगैरा तो कहता है ये कहानियां सुन सुन के और सिसिरों को पढ़ पढ़ के जो है ना हमारा दिमाग खराब हो गया है और हम समझते हैं कि बादशाह को खंजर मार दें बड़ा अच्छा होगा हम बादशाह की बात ही नहीं मानने के लिए तैयार हम रियासत की बात ही मानने के लिए त्यार अब आओ देखते हैं एक तो उसने इसको साइड लाइन कर दिया ना उसने कहा कि भाई ये हमने नहीं पढ़ना अब इस तरफ हमने जाना नहीं ये जो किस्सा कहानी ये पुरानी हो गई है बोरिंग हो गई है चार साल से हम दोहराई जा रहे हैं प्लीज लेट इट गो नाउ ठीक है क्या करना है फिर करना यह है कि जो नया साइंटिफिक मेथड है उसको इस्तेमाल करना है साइंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्सपेरिमेंट हो रही थी के और वो ऐसी छोटे छोटे पुतले बनाते थे जिसके अंदर कॉग्स और मशीन होती थी एंड दे डू रियली फैसिनेटिंग थिंग्स द फ्रेंच कोर्ट वर रियली फाउंड ऑफ दीज लिटिल यू नो डॉल्स

नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली खोल के देखो हाइपोथेटिकली यू नो इन योर माइंड खोल के देखो तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा भी पूरा जो जिसम है पूरी जो बॉडी है पूरा जो माइंड है सब कुछ इट्स 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 लाइक 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 अ अ मैकेनिज्म 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 एन अमेजिंग अब ये बात आप लोगों को तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ यू हैव अप इन द पीरियड जबकि ऐसी फिल्में आप हजारों देख सके जिसमें टर्मिनेटर आर्नर्ड शॉर्ट्स या तो आके दुनिया को खत्म कर रहा है या फिर बच्चे पाल रहा है वन ऑफ द टू यू नो बट रोबोट बिकम ह्यूमस एंड ह्यूमस बिकम ये बड़ी आम बात हो चुकी है अब राइट ब्रेन सर्जरी हो रही है किसी का दिमाग किसी और के सिर में डाल दिया है किसी के सिर में दिमाग है ही कोई नहीं ऐसे भी लोग हैं बार <laughs> तो किसी कोई दिमाग लेके आता है यहाँ बैठ जाता है मेरा बेटु स्विच ऑफ कर देता है मगर आंखें उसकी फिर भी खुली रहती हैं ऑटो पायलट पे चल रहा होता है ये सब चीजें आप तो जानते हैं राइट नथिंग न्यू फॉर यू फोदय बट उस जमाने के अंदर ये कहना दैट इंसान जो है है Why was that so shocking? because the throughout what animates a human being is not some mechanism, but it's a soul, a spirit, something that was transcendental. you know your body dies, and that soul, that spirit lives on in some way. In fact, of course, we all believe in the resurrection of the body itself, but certainly so many people believed in the resurrection of the soul, right uh, for even uh, you know the the uh, the eastern religions and 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 also Plato etc. so एंशियट ईस्टर्न and एंड ऑल्सो प्लेटो एक्सेट्राइम सो एंड एलिमेंट was the soul. Uh, आपको दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि पुराने जमाने में लोगों का ये ख्याल था कि जो माइंड है ना दिन द ब्रेन बेसिकली जस्ट लाइक गाड़ी का कार्बोरेटर उसका काम ये था कि वो uh, जो आपका खून है उसको ठंडा करता है क्योंकि इतने सारे उसके अंदर यही होकर करके चीजें हैं तो शायद उसका काम यह कि वो खून को ठंडा करता है और सोल जो है वो कहां पे थी आप बता वो कहां थी आपके जिसम के अंदर क्या था लोगों का कॉन्सेप्ट कि सोल कहां पे होगी जी हाँ दिल में इसीलिए वैलेंटाइंस डे पे जब आप किसी को कहते थे आई गिव यू माई सोल तो आप उसको क्या देते थे अपनी हार्ट शेप एक चीज देते थे अगर उस जमाने के अंदर लोगों को समझ आ जाती कि

So they thought that is what keeps people alive. Breath and heartbeat was what you know kept people alive. Numa, as well as you know your heart. These very important things. So heart became the symbol of the soul, the house of the soul, and that's why it became also the symbol of love, and it became the symbol of uh, uh, of your soul. In fact. So when I always say this, I don't mean to be bad, but I always say this. Scientists, are the most anti-romantic people, who are scientists. ठीक है मैं खुद सोशल साइंटिस्ट हूं मगर कसम से जितनी मैं साइंस पढ़ता हूं उतना रोमांस मेरे अंदर जाता 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 है मरी जाता है खत्म हो जाता है जो चीज़ दुनिया के अंदर मिस्टीरियस है 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 खूबसूरत मिस्टिकल यू नो रोमांटिक है कोई रोमांटिक है इसलिए क्योंकि उसकी समझ ही नहीं आती कि वो क्या चीज़ है वो क्यों इस तरह से कर रही उसको साइंसदान आगे ना, ना तबाह बर्बाद कर देता है मिसाल तौर तो पर जुगनू खूबसूरत सा जा रहा होगा रात के अंधेरे के अंदर आप कहेंगे हाय फायर फ्लाई इज यू नहीं एक्चुअली नहीं, फायर फ्लाई होता है उनका काम है, है, तेरा मुकड़ा है चान, चान में तो पत्थर होते हैं चांद नजर आते हैं चांद को खूबूरत चीज नहीं है उसके अंदर बातियां भी है पॉक मार्ट किस्म की उसकी शक्ल ले लो सारा रोमांस तबाव बर्बाद कर दी दुनिया जान की कोई अच्छी चीज हो ना साइंसदान ने खराब करनी होती मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ दिल दे रही हूँ इसमें से तो ब्लड पंप होता है ये मसल है ये मसल अगर तो बेचारा हॉब्स भी इसी किस्म का बंदा था। देखो अंदर आपके सिर के अंदर लगाए हुए हैं, वो चल रहे हैं। जो है है, वो प्लास्टिक से बनी होती है, और वो मेटल पार्ट से बनी होती है और आप जो है वो कार्बन से बने हुए मगर बेसिकली आप एक मशीन है टोल्ड यू वट एन तो लो देखो वैलेंटाइन डे पे तो इसको ठुठू मिला होगा the leviathan is an artificial man. leviathan, say the state, state we artificial, the state, You know, man, is, man is, a social animal, political animal, natural state is natural, no, nothing, artificial artificiality is a itself. the sovereign is an artificial soul, the magistrates are artificial joints, the rewards and punishments are its nerves, wealth and riches are its strength. People, safety is its business. Counselors are its memory. Equity and laws are its reason and will. Concord is its health. Sedition is its sickness. Civil war is its death. Everything is a mechanism. Society is a mechanism. You are a mechanism, okay? Don't ever think you are anything more than that and transcendental and beautiful. Maybe beautiful as a mechanism. But, uh, you know, that there's some part of you which is just otherworldly and divine. There's a divine spark in you, like Socrates said. So... <laughs> डिवाइंस पार्क बोलना शुरू हो गया सो नो नन ऑफ दैट बस अ मशीन वगैन आर मशीन ओके अच्छा अब स्टेट ऑफ नेचर में अगर ये मशीन पड़ी हो नेचुरल कंडीशन ऑफ मैन काइंड कहता है अगर फर्स्ट करो रियासत ना हो ठीक है फर्स्ट करो एक ऐसी सोसाइटी पर इमेजिन करो जिसमें रियासत है ही नहीं एक वक्त ऐसा था जब रियासत नहीं थी कुछ ऐसी सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं जहां रियासत नहीं है और हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर रियासत ना हो तो क्या हो फर्ज कर लो कि अगर तैमूर रमान क्लास में ना हो तो क्या हो क्लास के अंदर क्या हो रहा हो इस वक्त एग्जैक्टली इक्वल बट देर मोर इक्वल ठीक है द वीकेस्ट द स्ट्रोंगेस्ट कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो जो कमजोर है जो वो भी जो है ना तगड़े को फिक्र ना करो तुम भी डाडे को पकड़ सकते हो ठीक है ना कोई मसला नहीं है uh,

कहीं से डाउनलोड तो नहीं की मैंने वो, या, वो सिर्फ यही है कि बस टाइम लगाया उन चीजों पे टाइम जो लगाएगा उन चीजों पे वो समझ आएगा खातिन और मर्दों के हवाले से वो कह रहा है कोई खास फर्क नहीं है मतलब इवन अ वन इफ शी वांट्स कि भाई मेरा मियाँ जो है वो मुझे बड़ा तंग कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसका इसको फर्क कर दू तो आर मैनी यू नो रिपोर्ट्स इन द न्यूज जिसमें आप पढ़ते हैं कि वाइफ वॉज नॉट सेफाइड विद शी रात के अंधेरे में नेवर माइंड ठीक है ना आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडियाज हियर तो सो इससे आपको अंदाजा ये होता है कि स्टेट ऑफ नेचर में एवरीबडी इज इक्वल इफ एवरीबडी इज इक्वल तो क्या होगा फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ एबिलिटी द इक्वालिटी ऑफ होप इफ एनी टू मैन डिजायर द सेम थिंग दे बिकम एनिमीज क्योंकि हम बराबर हैं एक्चुअली इतना फर्क नहीं है तो हमारी डिजायर्स भी तकरीबन बराबर ही है ना और हमारी होप्स और एस्पिरेशन और ड्रीम्स भी तकरीबन बराबर अगर हम बराबर ना होते हम में से कोई गॉड्स होते और कोई डेमी गॉड्स होते और कुछ बिल्कुल ही बेकार होते शायद ऐसे कुछ हो मगर क्या कहा जा सकता है <laughs> uh, मगर अगर हम ऐसे ना होते तो फिर हमारी इक्वालिटी ऑफ होप ना होती बट वी आर मॉरल इक्वल उन्नीस बीस का फर्क इक्वालिटी ऑफ इक्वाल मीन्स के वी कैन होप फॉर द सेम थिंग एंड वी होप फॉर द सेम थिंग वी कैन फाइट फॉर द सेम सो वट दैट गि राइज टू इसम्पिटन डिफिडेंस ग्लोरी The first use of violence to make themselves masters of other persons, wives, children, and cattle, they fight for gain. Yani competition, hota hai, wo hai, bhai, cattle, so The second, to defend themselves, they fight for safety, for diffidence. The third, for trifles, as the word a smile, a different opinion, and any other sign of undervalue, they fight to build a reputation. Oh, मार्शल uh, लॉ थी तो हमें बड़ा शौक था इस चीज का हाँ uh, अभी पता आप, पत, आप तो खैर बड़े शरीफ बच्चे हैं सारे हम जो है ना वो कहते थे बैक बनानी ये एक्सप्रेशन को यूज करते हैं लड़कों कोई बैक है आपकी किसी को पता ही नहीं होता गया बैक अच्छा बैक बनाने का मतलब उस जमाने में ये था दिस इज नॉट एडवाइस आई एम गिविंग यू टेलिंग यू जमाने में मतलब क्या बैक बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप यूं करके डर निकालें बैक बनाने का मतलब ये था कि आप कोई अच्छे हुडो को शुंडो से ना बदमाश लोगों से ना आपकी यारी होनी चाहिए अगर आपकी बदमाश लोगों से यारी होगी ना कल को जब आपका फड्डा होगा ना बस फिर आपकी बैक आएगी पीछे और वो जो है ना इट विल बैक यू बेसिकली चीप लैंग्वेज खैर तो उस जमाने में अगर आपको फड़े करने का शौक नहीं भी था ना तो आपको एक आधा फटा फिर भी करना चाहिए था ताकि लोग आप कहें ये बड़ा फटे आज से फटा नहीं रहता ठीक है ना इट वॉज अट्जी इन वर्ल्ड अभी मैं समझाता हूँ किस तरह कहता है उस जमाने के अंदर होब्स के जमाने के अंदर होब्जी वर्ल्ड के अंदर बेसिकली मामला ये इट वॉज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल विदाउट अथॉरिटी देर देर विल बी वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन बिकॉज हर बंदा बराबर है तो हर बंदा ये कहेगा कि या तो गेन के लिए लड़ेगा या फिर रेपुटेशन के लिए लड़ेगा या सेल्फ डिफेंस में लड़ेगा किसी ना किसी वजह पे वो लड़ेगा जरूर और जब वो लड़ेगा जब अथॉरिटी नहीं होगी तो मोरल सब बराबर हैं सब बैक बनाने की कोशिश करेंगे कि आई शुड गेट माइ वे इन सच रिस्क एंड अनसर्टेटी देर कैनोट बी डिवेलप ऐसी सिचुएशन में फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप सब कहें चलो मिलके एक प्ले करते हैं कोई अच्छा सा ड्रामा करते हैं या कोई मेक अ बैंड टुगेदर नहीं कोई थिएटर नहीं होगा कोई मौसी नहीं होगी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी क्या होगा खडे होंगे वॉर होगी जंग होगी देर कैन ओनली बी कंटिन्यू फेयर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ इन दिस वर्ल्ड विदाउटेट वॉट विल है वो आपने एक एक बड़ी फेमस बुक भी है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसी ने पढ़ी है यस टेल अस अबाउट इट प्लीज अच्छा चलो <laughs> <laughs> बच्चे हाँ बच्चे जो हैं वो आइलैंड के ऊपर जो है दे गेट अबैंड ऑन एन आइलैंड एंड दे हैव टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड दिस इज नॉट अ टीवी सीरियल आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे पता है ऐसे टीवी सीरियल भी होते हैं मगर दे हैव टू तो सर्वाइव ऑन द आइलैंड और वहां पे फिर उनका क्या एटीट्यूड डेवलप होता है किस तरह उनका उनके सोशल इंटरेक्शन डेवलप होती इट्स ऑल अबाउट दैट ठीक है और वो एक हॉब्सियन वर्ल्ड पैदा हो जाती जिसमें इट इज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल अंटिल वन पर्सन इमर्जेस हु इज द स्ट्रांगेस्ट सो इन सच अ सिचुएशन हॉब्स सेज द लाइफ ऑफ मैन विल बी सोलिटरी अकेला रहेगा पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट बड़ी बकवास जिंदगी होगी ऐसी जिंदगी जिसके अंदर कोई रियासत ही नहीं होगी हम सारे एक दूसरे को मारते फिर रहे होंगे क्योंकि कोई भी दूसरे से ज्यादा तगड़ा नहीं किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊं तो वह आप कह दें कि सर आज हमने पढ़ना नहीं जो भी मामला हो यू नो अनलेस आई हैव सम अथॉरिटी सोसाइटी विल सोसाइटीट इन टू वॉर अगेंस्ट वॉर एंड लाइफ विल विल बी बी नास्टी शॉर्ट यूनिवर्सल डिस्ट्रस्ट वॉट ओपिनियन आप कहते हैं सर ये तो बड़ा आपका ब्लीक ओपिनियन है कहते हैं ना आप आप कहती हैं आप ऑप्टोमिस्टिक टाइप लड़की हैं हाँ मरियम कहती है सर ये तो बड़ी ब्लीक किस्म की आपने दुनिया पेंट की है आई एम एन ऑप्टिमिस्ट आई लाइक टू थिंक दैट मैन काइंड इज जेनरस एंड नाइस एंड यू नो क्या कहना चाहिए पीस लव एंड हार्मनी वगैरह मरियम क्या जब आपके घर में जो घर है वो रात को कोई ताला लगता है लॉक होता है कि नहीं होता है लॉक तो अब इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये पीस लव इन हैप्पीनेस एंड टॉलरेंस वाली जो बातें ना ये किताबों में अच्छी लगती हैं रियलिटी में लोग ताले लगा के सोते हैं रियलिटी में जो प्रेशियस चीज है उसको ताला लगाया जाता है उसको कुंडी लगाई जाती है बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं यहाँ पे ऊपर स्नाइपर नाइफल्स लेके कमांडोज खड़े हुए हैं छत पे लम्ब की और आप ताकि बात कर सके अबाउट पीस लव इन हार्मनी मरियम असल में बात यह है

Who is the stronger king and who is not the stronger king? It's not even just always about territory. It's just about showing who has a stronger army, etc. All of this is going on. So, and in this, theyasat now in a state of nature, everything is just. Anything goes. in love and war everything is in love and war everything is jais. I don't think everything is jais. Otherwise, what Israel is doing is jais. But no, I don't think everything is jais. बट कहते हैं मगर अगर रियासत ही ना हो अगर कानून ही ना हो तो फिर एवरीथिंग इज जायज कहता है इन दिस वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन नथिंग कैन बी अनजस्ट व्हाई द नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जस्टिस एंड इनजस्टिस हैव नो प्लेस व्हाई वेयर देयर इज नो कॉमन पावर देयर इज नो लॉ वेयर नो लॉ नो इनजस्टिस फोर्स एंड फ्रॉड आर इन वॉर द टू कार्डनल वर्च मैकेवेली ने भी तो यही कहा था ना कि बड़ी वर्च्यूज किस्म की चीजें हैं ये करनी पड़ती हैं कहता है जहां कानून ही नहीं है तो वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कानून तोड़े आप कौन सा कानून तोड़ा मैंने भाई कानून था ही कोई नहीं कोई रियासत ही नहीं थी कानून क्या होना नेचर कौन सा मैंने आपका हक मारा है हक तो वो होता है जो कि रियासत देती हैलफी नहीं, नहीं।, नहीं, हक, हक नहीं की ओह ये एक और क्लास में बेन्थम भी पढ़ाता है बट बारह बट ही देयर इज होप येट मरियम यू माइट नॉट बी एंटायरली रॉन्ग मैन आर ऑल्सो इंक्लाइन टू पीस आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ अगर सब जो है एक दूसरे को कतल करते फिरे तो लाइफ वुड बी नास्टी शॉर्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड यू कैन कि यार इवन यू कैन अंडरस्टैंड के यार लाइफ uh, uh, नास्टी ब्रूटेशन शॉर्ट हो जाएगी कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए यार कोई ना कोई यू नो अब फुटबॉल ही खेल रहे हो अगर हम सब uh, मिल के तो हम कहें भाई एनी थिंग गोस तो गेम का मजा तो नहीं आएगा थोड़ी देर बाद पांच लोग जो है वो गिरे पड़े होंगे टांगे उनकी टूटी होंगे हाथ पैर खराब हुए पड़े होंगे गेम का मजा ही नहीं आएगा तो गेम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ कानून बनाया जाए कुछ लॉज बनाए जाए कि यार नहीं आप आगे अटैकर आ रहा है उसको मुक्का नहीं मार सकते भाई ये फुटबॉल का ऐसा नहीं हो सकता दैट्स नॉट फुटबॉल मोर सो मेन आर ऑल्सो इंक्लाइन टू पीस आउट ऑफ फेयर ऑफ डेथ सेल्फ प्रिजर्वेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर और उसका एक कुदरत का एक कानून है कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं

याद है पहली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था लिबर्टी मीन्स टू डू एनी थिंग आई लाइक वट एवर आई वॉन्ट इफ आई वॉन्ट यूर लैपटॉप आई कैन किल यू वॉन्ट टेक इट दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ लिबर्टी भाई नो प्रॉब्लम ठीक है बिकॉज अगर सियासत नहीं है तो किस कौन कह रहा है वो गलत है किस कौन कह सकता है मैंने तुम्हारा हक छीना है हक तो फिर कोई कानून ही नहीं है तो हक का कौन सा आ गया बस मैंने छीन लिया मगर <clears throat> मगर नेचुरल लॉ है नेचुरल लॉ ये है कि अगर मैं ये करूं कि आपसे छीनू आप भी ये करें मेरे से छीनें कोई और तो क्या होगा कि सारे मरते फिरेंगे अगर सारे मरते फिरेंगे तो हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन मसले में so, लॉ है सो अंदर कि हम चाहते हैं हम जिंदा रहे और हमारी जिंदगी अच्छी हो रही बाइंड लॉ एंड राइट डिफर एज मच एज ऑब्लीगेशन एंड लिबर्टी सो राइट जो है वो ये मैं कुछ भी करो और लॉ जो है वो ये राइट कह रहा है जो मर्जी करो लॉ कंसटेंट कर रहा है अब ये दोनों चीजों का जो इंटरेक्शन है Yeh he sabse important question okay, what is the line of liberty versus what is the line of law and what is allowed for self-preservation every man he says ought to endeavor for peace as far as he has hope of obtaining it and when he cannot obtain it that he must seek and use all helps and advantages of war we have two contradictory things going on one of course is natural right which is what gives you the liberty to do whatever you want to do and the other is natural law which, is, which prop, propels humanity towards self preservation. And the two, therefore, contradict each other. And this contradiction is at the heart and at the center of any society. On the one hand, your liberty to do whatever you want to do. On the other hand, the constraint that comes by law such that you have security uh, and you have a good life. Hobbes says every man ought to endeavor for peace as long as he has hope of obtaining it. And when he cannot obtain it, that he must seek and use all helps and advantages of war. A man be willing when others are so too, as far forth as for peace and defence of himself, he shall think it necessary to lay down his right to all things, and be contented with so much liberty against other men as he would allow other men against himself. Yani, in other words, may agarye so chunke tamam liberty chay to here liberty miljai, agar abko vi liberty milegi, that will be a constraint on, on me so let's make a deal uh, you give me i will give up my right my liberty you give up your liberty we'll give up the same amount of liberty i will give up the liberty to the extent that you give it up and that line will be drawn by how will that be determined i give up by understanding that i don't want you to do to me and i will not do the same thing to you that i don't want

Either by simply renouncing it or by transferring it to another. Whenever a man transfers his right, it is either in consideration of some right reciprocally transferred to him. Yani, agar right de de, liberty de de, aapne bhi liberty hai. Wohi reciprocally. Or for some other good he hopes for thereby, by, For it is a voluntary act, and of that the voluntary acts of every man, the object is some good to himself. Ab ye liberty ये मैंने अपना हक छोड़ दिया कि मैं आपको खंजर मार के आपकी एन के चोरी कर लूं ये मैं जिसका हक नहीं चाहिए अन एक्सचेंज आपने भी यह खत्म करना है अपना कि आप खंजर मार के मेरे विटामिन वाटर चोरी कर लें ठीक है फिर बात बनेगी सो दिस इज अ म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स एंड दिस इज वॉट मैन कॉल अ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू एंड आई कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कि ओके यस बाय नेचर यू हैव द राइट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट यू फॉरगो दैट राइट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी आई विल फॉरगो दैट राइट एज़ Let's make this contract that you cannot kill me. I cannot kill you. Uh, and uh, you know, you cannot steal from me. I cannot steal from you. You cannot cheat me. I cannot cheat you. Let's make this contract. Then comes the comment to enforce that social contract. Now, who's going to make that social contract binding? Because if we just say, Oh, yeah, it's a contract, but then if somebody breaks the contract, then what happens? No. Then we need a force. Covenants without the sword are but words.

सारी हम हम अब क्या करेंगे कि एक बंदे को या चंद लोगों को ये इख्तियार देंगे ये कुत देंगे ये पावर देंगे हमने ही दी है किसी और ने नहीं दी खुदा ने नहीं दी किसी और ने नहीं दी हमने दी है पावर कि वो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्स करे वो कोई बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करे वो उसको दबाए दैट इज दैट वी कैन देन मेक इट है अब हमें इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा दलावाय

काबीना को भी इख्तियार दिया जा रहा है तो इज नॉट पिकिंग वन थिंग ही ये कर सकती है he's saying कोई भी है, मगर के पास वो पावर होनी चाहिए right like मैं अपनी पावर छोड़ रहा हूं किसको दे रहा हूं उस कमेटी को या उस शख्स को उस रियासत को उस इदारे को आप भी छोड़ रहे हैं हम सब छोड़ेंगे तब जाके वो इदारा बनेगा इतना तगड़ा होगा इतना पावरफुल होगा कि वो किसी इंडिविजुअल के मुकाबले में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा द बिग ट्रेड ऑफ फॉर हब इज टू ट्रेड लिबर्टी फॉर सिक्योरिटी दिस इज द जेनरेशन ऑफ दैट ग्रेट लवायथन और राधर टू स्पीक मोर रेवरेंटली ऑफ दैट मोर्टल गॉड टू विच वी ओ अंडर द इमोर्टल गॉड आर पीस एंड डिफेंस तो मोर्टल गॉड क्या है द स्टेट इट्स नॉट इमोर्टल गॉड विच इज ऑफ कोर्स अबव Everything else, the universe and so on. But the mortal god here, the most powerful institution, is the state. One person of whose acts a great multitude, by mutual covenants, one with another, have made themselves everyone the author. We are the authors of the state. To the end he may use the strength and means of them all as he shall think expedient for their peace and common defense.. हम उसको टैक्स देंगे हम उसको पैसे देंगे हम उसको हथियार देंगे हम उसको इतना ताकतवर बनाएंगे कि हम खुद उसके मुकाबले में बिल्कुल ताकत नहीं रखेंगे हम खुद ये फैसला करके बना रहे हैं इस रियासत को इतनी ताकतवर बना रहे हैं कि वो तोड़ सके किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इट शुड बी द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री नो बडी शुड बी एबल टू फाइट इट इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग एंड सो पावरफुल कि इट इज इट कैन कंप्लीटली डोमिनेट ओवर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी और उसके क्या अख्तियार होंगे द पीपल कैनॉट मेक अ न्यू कॉन्विनेट रियासत बन गई है अब आप ये नहीं कह सकते हो मेरा तो ख्याल है कि नहीं मैं तो अमेरिका की रियासत से ज्यादा खुश हूं कि मैं उसके साथ बना रहा हूं नहीं आप पाकिस्तानी हैं दैट्स इट यू कैन नॉट मेक अ न्यू कॉन्विनेट ऑन योर ओन दे कैन हैपन नो ब्रीच ऑफ कॉन्विनेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सॉवरेंट एंड कॉन्सन नन ऑफ दिस सब्जेक्ट बाई एनी प्रिटर्स ऑफ फॉर कैन बी फ्रीड फ्रॉम हिज सब्जेक्शन ये नहीं आप कह सकते कि उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं नहीं मैं नहीं कर रहा उसने नो यू कैन नॉट दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट द रेस्ट मरियम ठीक है हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो नहीं चाहती सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैं तो इतनी ताकतवर हूं मैं अपना यहाँ दिफा खुद कर लूंगी मगर अब क्योंकि हम सब ने मिलकर बनाया है वो लवायथन अब आपको भी उसमें मानना पड़ेगा क्यों क्योंकि यू आर ऑल्सो बेनिफिशियरी नाउ ऑफ द सिक्योरिटी दैट द लवायथन प्रोवाइड्स टू द स्टेट And so now, now even if you you did not consent originally, you must now accept it. Since every man is the author of the sovereign the actions of the latter can do no injury to any of his subjects agar sovereign अगर ye फैसला करता है कि इसका गिट्टा utar दो इसको फांसी दे दो इसको मार दो तो ये कोई इंजरी to the subjects नहीं कर रहा In fact, सब्जेक्ट्स ने खुद उस कॉमन चीज को बनाया है कंट्रोल करने के लिए तो ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है द सवरन कैनॉट बी पुट टू डेथ दॉवरेंट शैल बी सोल जज of what opinions and doctrines are averse and what conducive to peace the sovereign shall make all the rules and laws the sovereign has the right of judicature the sovereign has the right to make war or peace the sovereign has the right to reward and punish any citizen the sovereign makes all laws of honor and award titles of honor everything is done by what the state the state is all-powerful क्योंकि अ किंगडम अ हाउस डिवाइडेड ऑन इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड अगर एक घर जो है वो खुद ही आपस में लड़ रहा होगा तो जीतेगा कैसे द पावर एंड द द ऑनर ऑफ दिन मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ एनी और ऑल द इतनी उसके पास कुवत भी होनी चाहिए और इतना उसका ऑनर भी होना चाहिए एज इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर द सर्वेंट्स आर इक्वल एंड विदाउट एनी ऑनर सो आर द सब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द देंट रियासत के सामने सिटीजन कुछ नहीं है ऐसे ही है जिस तरह के एक गुलाम आका के सामने खड़ा हो

डैमेज और वीकनिंग ऑफ दीज इन स्ट्रेंथ एंड ग्लोरी ने बनाई है आप ही की कलेक्टिव पावर की एक का एक इदारा है आपकी पावर कलेक्टिव पावर अगर कमजोर हो जाए तबाह हो जाए बर्बाद हो जाए तो रियासत भी कमजोर हो जाएगी तो रियासत की ख्वाहिश ही नहीं हो सकती रियासत का इंटरेस्ट नहीं है कि वो सोसाइटी को पामाल कर रियासत का इंटरेस्ट है कि सोसाइटी डेवेलप हो प्रोस्परस हो आगे बढ़े तब सोसाइटी आगे बढ़ेगी रियासत भी ताकतवर होगी रियासत ताकतवर होगी सोसाइटी आगे बढ़ेगी सो इट्स नॉट अ रिलेशनशिप दैट इज इन एनी वे अ अंट्रोडिक्ट्री वन फॉर अगर आप ये कहते हैं कि ये तो बड़ा ड्रोना किस्म का रिपब्लिक है है वो कहता एंड लिबर्टी आर कंसिस्टेंट जी हाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि आप समझते हैं जी फेयर और लिबर्टी ऑपोजिट चीजें हैं वो कहता है फेयर जरूरी है लिबर्टी के लिए क्यों ऑल एक्शन विच मैन डू इन कॉमनवेल्थ फॉर फेयर ऑफ द लॉ और एक्शन डूअर हैड लिबर्टी वो आपकी मर्जी आप करें या ना करें राइट Law ko follow ya na, it follows from this that in all actions, in all kinds of actions permitted by the law, men have the liberty of doing what their most reason should, shall suggest for them for the most profitable to themselves. Within the law, aap wo kareinge, jo aapke liye aap wo kareinge, which is best for you. Therefore, the liberty of the subject lies only in those things which, in regulating their actions, the sovereign has permitted. लिबर्टी तभी पैदा होगी जब कानून होगा जब कानून होगा उसके अंदर लिबर्टी होगी उसके अंदर पहले से ज्यादा ऑपरचुनिटी बढ़ जाएगी जब रियासत होगी सिक्योरिटी होगी तो लाइफ विल नॉट बी लास्टिक ब्रूटेशन शॉर्ट लंबी जिंदगी होगी और चीजें करने का मौका होगा सो इनफैक्ट रादर देन फियर ऑफ द लॉ एंड फियर ऑफ द स्टेट कंस्ट्रेनिंग योर लिबर्टी इट्स द ऑपोजिट इट्स इनहसिंग योर ऑपरचुनिटी द लाइफ दैट यू हैव एंड सिक्योरिटी तो एक्चुअली वो कानून पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है बैडी हाउ एवर नो मैन कैन बी ऑर्गे कुछ आपके भी हकूक है ठीक है आ, आपको मजबूर नहीं कर सकती की आप जो है अपना सेल्फ डिफेंस छोड़ दें आप अपने आप को अक्यूज करें रियात आपको आपके पास ये हक है कि आप कह सकते हैं मैं बेगुना हूं वेन देयर फॉर रिफ्यूजल टू अबे फ्रस्ट्रेट सो एंड For which the sovereign was ordained, then there is no liberty to refuse. Otherwise, there is. For instance, the शुड should not be forced into war if they can substitute another soldier in their place. So, sovereign आपके काम करवा सकती है मगर आपका अगर एप्टीट्यूड नहीं किसी और का बेहतर एप्टीट्यूड है उस काम के लिए तो हाँ ये बिल्कुल सही है आप कह सकते हैं कि जी मेरी जगह उससे काम कराएं मैं अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं सोल्जर नहीं हूँ आप मेरी जगह इससे यह काम कराएं तोट इज विद इन योर राइट टू डू

तो फिर सॉवरन के पास क्या वो इख्तियार है वह तमाम इख्तियार जो सॉवरिन ने लिए हुए कहते नहीं फॉर दर राइट मैन हैव बाई नेचर टू प्रोटेक्ट दैम नन एल्स कैन प्रोटेक्ट दैम कैन बाई नो कॉविनेट बी रिलिंक्विस्ड सो ये जो राइट था जिस राइट की बुनियाद पर हमने रियासत बनाई थी वो क्या था याद रखें वो था सेल्फ प्रेजर्वेशन ठीक है ना सेल्फ प्रेजर्वेशन की वजह से हमने रियासत बनाई थी कि हम प्रिजर्व करें अगर रियासत वही काम पूरा नहीं कर रही आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन को मुमकिन नहीं बना रही तो फिर रियासत का कोई फ़ायदा नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या था मेरा रियासत के साथ रियासत के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा यह था मैं अपनी लिबर्टी छोड़ूंगा मुझे बेहतर जिंदगी देनी लंबी जिंदगी देनी है मेरी जान और माल महफूज होना चाहिए अगर मेरा जान और माल महफूज ही नहीं है इंडिविजुअली नहीं मैं बात कर रहा मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ होल अगर सोसाइटी का पब्लिक के जानों का जान की जान या माल महफूज नहीं है तो जो सोशल कांटेक्ट था रियासत के साथ वो तो पूरा नहीं है अगर वो पूरा नहीं है तो फिर क्या पब्लिक को ओबे करना चाहिए हॉब्स कहता है नहीं फिर पब्लिक इज जस्टिफाइड अगर वो कह के नहीं इफ हेल्ड टू बी बाउंड बाई दू सब्जेक्शन राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हर बंदे का हक है अगर किसी ने रियासत ने किसी को पकड़ा हुआ है उसको भी हक है कि वो भाग सकता है अगर वो भागना चाहे तो वो भागेगा वो डिफेंड अपने आप को करना चाहे वो करेगा रियासत आपसे ये नहीं छीन सब कुछ छीन सकती है आपसे मगर ये नहीं छीन सकती द योर योर नेचुरल यू नो राइट टू सेल्फ प्रजर्वेशन ये नहीं चीज कोई रियासत नहीं छीन सकती अगर इसको पूरा नहीं कर रही तो वो रियासत बेकार है इफ द मॉन नट सबड्यूड बाय वॉर एंड इम से विक्टर हज सब्जेक्ट आर डिलीविड फ्राम द फॉमर ऑब्लिगेशन एंड बिकम ओब्लाइज टू द विक्टर अगर एक रियासत को दूसरी रियासत कॉन्कर कर दे तो अब जो कॉन्करिंग रियासत है उसके आप सब्जेक्ट बन ठीक है जी कम्स टू क्लोज मगर फाइनली आप ये ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी किस्म की दुनिया है हॉब्स तो कोई बड़ा डेमोक्रेट या कोई बड़ा लिबरल तो नहीं महसूस होता इनफैक्ट कोई भी अच्छा मिलिट्री डिक्टेटर हो तो कहेगा कि हॉब्स यू नो तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ये क्लासिक कॉन्ट्रोडिक्शन है जो हॉब्स लेकर आता है जहां पे भी कोई लिबर्टी सिक्योरिटी के ट्रेड ऑफ की बात कर रहा है वहां अंदर रह तो को हॉब्स को रखा हुआ सीक्रेट में करते हैं। उसके अलावा हॉब्स को की थियरी को इस सेंस में आज ओन नहीं किया जाता लिबरल्स फॉर एग्जाम्पल डोंट ओन हॉब्स इन देर इंटायरिटी बट यू कैन सी that hobbes in a certain sense is nonetheless very influential as far as liberals are concerned. in fact, he is not a liberal, but he creates liberalism. he creates the things, the elements that go on to become classical liberal theory, those elements. palayak hobbes, a materialist framework in the reteve society, analyze karnegie karta. religion plays no role in it at all. आपने आर्ग्यूमेंट पूरी सुन ली है उसमें कही कहीं ना कहीं गॉड का जिक्र जरूर होगा मगर गॉड इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म डज नॉट रिलाई ऑन एनी काइंड ऑफ थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड हॉब्स क्रिएट्स अ सेकेंडर बेसिस फॉर स्टेट अथॉरिटी ही लिबरेट्स द अथॉरिटीप्ट ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम रिलीजन ऑल टुगेदर अब पहली दफा एक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ माइट इज राइट पर बुनियाद नहीं रखता महज माइट इज राइट पर बुनियाद नहीं रखता वैसे तो और भी कॉन्सेप्ट मगर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी का विच इज नॉट पार्ट ऑफ द चर्च एनी मोर ये नहीं कि ये जीसस क्राइस्ट से या खुदा की तरफ से जो है अथॉरिटी दी गई है किंग uh, को या वेवर वो खत्म हो गई है इट्स अ सेक्युलर बेसिस फॉर स्टेट अथॉरिटी थर्ड थिंग इज द स्टेट ऑफ नेचर एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट बिकम्स अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल लिबरल पोलिटिकल थियरी अब आगे, आगे आप ये देखेंगे कि यही आइडिया एग्जैक्टली स्टेट ऑफ नेचर वाला आइडिया जो है वो लॉक में भी रिपीट होगा आप देखेंगे कि ये रूसो में भी रिपीट होगा और आप देखेंगे कि जितने लोग इस पीरियड के अंदर आते हैं इस क्लासिकल लिबरलिज्म के पीरियड के अंदर आते हैं वो हमेशा अपनी आर्ग्यूमेंट को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में अगर ऐसे था तो सोसाइटी में ऐसे इस कंपैरिजन को ड्रॉ करते हैं व्हेन दे डू दैट दे वे पेंग हमेज टू हॉब्स the right of individuals in relation to the state and the idea of the state as a social contract has influenced, of course, political theory till contemporary times. so two concepts there. Peli the individual in relation to the state has certain rights. individual has created the state. individual is the author of the state. it's not that the state has come from god. the state has come from the individuals. and the individuals still have some rights. Now you say, Sir, Hobbes has only राइट right इंडिविजुअल को ये दिया कि भाई मर क्या नो सेल्फ प्रजर्वेशन के अलावा तो कोई राइट right नहीं था कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली एसोसिएशन फॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज ये वो कोई भी उसकी वो बात नहीं करता ठीक है मगर उसने एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि इंडिविजुअल और स्टेट का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टेट वायलेट करती है तो फिर इसका मतलब है इंडिविजुअल का हक है कि वो रिबेल करे अब वो कॉन्ट्रैक्ट अब आगे पीछे कर सकते हैं ने तो कॉन्ट्रैक्ट सारा रास्ता स्टेट के फेवर में किया हुआ इंडिविजुअल के खिलाफ किया हुआ मगर आप उसको कह सकते हैं नहीं नहीं इधर नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इधर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट इधर होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल के राइट्स बढ़ाते चले जाए फ्रेमवर्क वही है उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप इंडिविजुअल के राइट्स बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जब आप बढ़ा देते हैं तो आप लॉक पे पहुंच जाते हैं आप रूसो पे पहुंच जाते हैं फ्रेमवर्क वही है ठीक है सो दैट दैट्स हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूट टू इट और दूसरी बात ये कि ये तो एक अब कॉन्ट्रैक्ट है दी आइडिया दैट द स्टेट इट सेल्फ इज क्रिएटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज अ वेरी फंडामेंटल आइडिया वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब है वो रीनिगोसिएट हो सकता है उस पर दोबारा जो है उस पर बहस हो सकती है उस पर बात हो सकती है वो एक हमारी ही पैदा करता चीज़ है उस पर डिबेट डिस्कशन करना हमारा हक हो जाता है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना हमने बनाया किसी और ने नहीं बनाया बादशाह ने नहीं बनाया वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, नहीं, नहीं बनाया प्रेजिडेंट ने नहीं, नहीं बनाया किसने बनाया पब्लिक ने बनाया सोसाइटी ने बनाया कॉन्ट्रैक्ट तो किस हु इज ऑथर नॉट द स्टेट द पब्लिक ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ कोर्स अ की रोल और आज तक, आज तक तक अभी आप देखें कि अखबार उठा लें कोई पाकिस्तान नीड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो भी ये इस तरह आर्ग्यू करते हैं लोग वो बेसिकली हब्स बादशाह की वजह से है कि वो सारा पूरा फ्रेमवर्क ही आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी बल्कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप पूछें कि हमारा क्या इमरानी मुहिदा है हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान और आपका क्या इमरानी माह आपने तो साइन नहीं किया होगा कहीं पर भी मगर वो है पैदा जब वो आप हुए थे उसी वक्त से वो है वो क्या है किधर है कहाँ लिखा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट इज योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट सो फाइनली स्टेट या अथॉरिटी जो है वो कोई डिवाइन कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं है वो कोई नेचुरल कॉन्स्ट्रक्ट भी नहीं बल्कि वो टोटली totally एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है आर्टिफिशल से मतलब ये नहीं हरगेज है कि वो आम, कोई पावर नहीं उसकी है नहीं बस ख्याली पलाव है नहीं ख्याली पुलाव नहीं है <laughs> उसे मुकाबला करके देख लो पता चल जाएगा कि वो ख्याली पुलाव नहीं है मगर आर्टिफिशियल से मुराद ये है कि वो हमने खुद ऑथर किया है वो खुदा की तरफ से नहीं है नंबर एक ना ही वो दूसरे दूसरे जिस तरह हमने लिखा हुआ है या चलो उस बात को छोड़ो um, वो बेसिकली यू नो समथिंग दैट यू क्रिएट योर सेल्फ मैन काइंड क्रिएट्स इट्स ना द नेचुरल Nor is it something that comes from God. It is something that we discuss and we create ourselves. And it reflects the collective power of citizens. So that ends Thomas Hobbes.